नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। एक ऐसी भीख इस बच्चे की जान की खातिर है। इस वीडियो को पहले ही मुझ पे बोला भी नहीं जा रहा है दोस्तों। आज मैं जब इस घर में आया तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे, आप देख रहे होंगे मेरी आवाज कैसी आ रही है। इस बच्चे की खातिर इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि इस बच्चे की जान बच सके। दोस्तों, इस बच्चे को आप जानते तो होंगे कि इस बच्चे को एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए। बहन जी से आपकी बात कराऊंगा और बच्चे से आपकी बात कराऊंगा और भैया से भी आपकी बात कराऊंगा। दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है आपको, अगर आपके घर में ऐसा बालक है, तो उसकी कसम मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि ये वीडियो मोदी जी तक, एक हरेक अधिकारी तक पहुंच सके, भारत के जितने भी नागरिक है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। आपकी बात कराता हूं। भैया जी, आपका क्या नाम है? कपिल वैष्णव में। तो भैया जी, क्या बीमारी है इसको? भैया, बच्चे को SMA टाइप 2। SMA? तो इसमें कितना खर्चा चाहिए? इसमें 18 करोड़ रुपए का खर्च बताया। 18 करोड़ रुपए का खर्च बताया। दोस्तों, देख सकते हैं कितना प्यारा बालक है। इनके रो रो कर आंसू सूख चुके हैं। दोस्तों, आप हालत देख रहे होंगे ना, इन पर खड़ा हो जाता, कभी चक्कर खाकर गिर जाते हैं। भैया, मैं आपको बताऊं, अभी मैं देख रहा था, अभी यहाँ पर गिर गए थे। और यहाँ पर बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता। बहन जी, इनको क्या बीमारी है? इसको SMA टाइप 2, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अच्छा, तो कितने करोड़ का खर्चा है इसमें? 18 करोड़ के करीब डॉक्टरों ने इसका खर्चा बताया। 18 करोड़ रुपए का खर्चा बताया। दोस्तों, ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाया। बहन जी, एक बार खड़ा होकर दिखाइए, एक बार इसको खड़ा करके दिखाइए। देखिए दोस्तों, ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता। बस हमारे पास 3 महीने बचे हैं। दोस्तों, अगर इस बच्चे की खातिर आपने वीडियो शेयर नहीं की तो हमारे ऊपर धिक्कार है। देखिए दोस्तों, ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, कोई भी अंग काम नहीं कर पाता है। अगर आपके घर में बालक है ऐसा, तो उसकी कसम मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये सरकार तक जा सके और इनकी मदद कीजिए जितनी हो सके। अगर आप इनके लिए 10-10, 100-100, 1-1 हजार रुपए भी भेजोगे अपनी मेहनत की कमाई में से, तो इनकी मदद हो जाएगी। कमल भैया दिन रात लगे हुए, मैं आपको बता दूं, ये इनके पड़ोसी हैं। क्या नाम भैया जी आपका? भैया, मेरा नाम कमल तावर है जी। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये बच्चा है? भैया, ये नोएडा में बरौला गांव के पास है जी। भैया, बरौला गांव में बच्चा रहता है, इसका नाम रुद्राक्ष है जी। इसको भैया ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। SMA टाइप 2 है इसको, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जी। भैया, इस बीमारी का इलाज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। 18 करोड़ रुपए की वैक्सीन से भैया ये बच्चा ठीक हो सकता है। अच्छा भैया, हम दर दर भटक रहे हैं इस बच्चे की मदद के लिए, मगर कोई नेता, कोई एक्टर, कोई आगे नहीं आ रहा। भैया, इस बच्चे की मदद नहीं हो रही। 18 कोई भी आगे नहीं आ रहा है। दोस्तों, दर दर की ठोकरें 2 साल, कितने साल हो गए भैया?